बोलो जी प्राणनाथ प्यारे की। वंदो सदगुरु चरण को करु सुंदर शब्दों भावुक अभिवादन। सदगुरु चरण को करूं सुप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम, श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री महरा सुना, तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। श्री महामती कहे इन दुख को मोल न कियो जा, लाख बेर सिर दीजिए तो भी सर भर न आवे ता।
तो भी सरभर न आवे ताय। प्रकरण 17 चौपाई 220 राग श्री। मैं तो बिगड़िया विश्व थे बिछुरिया, मैं तो बिगड़िया विश्व से बिछड़िया, वे परब्रह्म सच्चिदानंद धाम के धनी महामती जी के दिल में विराजमान होकर किरंतन के इस प्रकरण में कह रहे हैं, मैं तो बिगड़िया विश्व से बिछड़िया, यानी कि मैं बिगड़ गया हूँ और दुनिया से बिछड़ गया, अलग हो गया, क्योंकि दुनिया हमेशा उस रास्ते पे चलती है जहां पर भीड़ चलती है, भीड़ के पीछे भीड़ वाला रास्ता है, चीटी हार ऊंट कतार कहा जाता है। इसलिए वाणी में कहते हैं, क्यों ये लोक राह न पावही, क्यों ये न सुने पुकार, ये चले चीटी हार ज्यो बांधे ऊंट कतार। चीटी हार ऊंट कतार एक के पीछे पीछे चलते हैं, रास्ते में गड्ढा आ गया तो क्या करेंगे, एक गिरेगा फिर पीछे दूसरा गिरेगा फिर पीछे तीसरा गिरेगा। रेगिस्तान में देखते हैं ना, ऊंट एक के पीछे एक चलते हैं सब, और चींटी तो घर घर में चल रहे हैं। मनुष्य में और पशु में कोई अंतर रहा नहीं है, यहाँ पर जो जैसे कर रहा है उसको वैसा करने दो तब तक ठीक है, किसी को कह दिए कि भैया तुम गलत कर रहे हो तो दुश्मन हो जाएगा। संसार की रीति ये देखिए, जहां सब शराब पीते हैं वहां पर शराब को बुरा बोल दोगे तो क्या बोलेंगे, तूने जिंदगी का देखा कहाँ है, सुख कहाँ लिया है, सके बोलेंगे ना, बोलेंगे पी के देखा है कभी ऐसा। भीड़ यहां जो कहती है उसको सच माना जाता है, बहुमत मेजोरिटी जिस चीज को सही कहेगी वो सही माना जाता है, और जो एक व्यक्ति सच बोलने आ जाता है तो दुनिया उसको फांसी पे चढ़ा देती है। गैलीलियो ने कहा कि पृथ्वी सूर्य पृथ्वी का परिक्रमा नहीं लगा रहा है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा लगा रहा है। उससे पहले क्या सोचते थे कि सूर्य हमारी पृथ्वी की परिक्रमा लगा रहा है, लेकिन कहा ऐसा नहीं है, उल्टा है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा लगाता है, फांसी भी चढ़ा दी उसको। आज सांच के ना सो तो कहूं ना रुचे, पशु में और इंसान में क्या अंतर, रोज सुबह जाते हैं ना ढोर चरवाहा ले जाता सबको हुर्र करके, चलो इधर चलो सब, दूसरा वाला बोलेगा नहीं इधर चलो सब, अब चल क्या रहा है, सब तो पशु बन गए हैं ना, एक गुरु सबको हकाल के ले जा रहा है, तो जितने गुरु उतने धर्म संप्रदाय बन गए हैं, और मनुष्य क्या है सच और झूठ वो अपनी बुद्धि से अच्छा बुरा नहीं विचार करता, गुरु जी ने कहा है। लेकिन गुजरात में आप कितने सारे दिन प्रतिदिन जो सच है उसको विचार करना चाहता नहीं है, और प्राणनाथ जी ने बताया कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, उसकी प्राप्ति किस प्रकार हो सकती है, हम कौन हैं, कहां से आए हैं, इस चीज को समझे बिना सारा जीवन भक्ति करते रहिए सब व्यर्थ हो जाएगा। बिना ज्ञान के सारी भक्ति व्यर्थ हो जाती है, मैं कौन हूँ कहाँ से आया पता ही नहीं चला, जीवन बीत गया पूरा भक्ति करते करते, पूजा करते करते, तीर्थ यात्रा भी करके आ गए, दान भी कर दिया, यज्ञ भी कर दिया, लेकिन मैं कौन हूँ कहाँ से आया पता ही नहीं। इसलिए कहा ना, पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो, ज्ञान मुक्ति का कारण है साथियों, पूजा मुक्ति का कारण नहीं है, किसी ग्रंथ में जाके देख लीजिए। नहीं वाणी क्या क्यों आई है, ना कहवाए माया माहे आवाणी पढ़ साथ माटे, मुक्ति देने के लिए आई है, भजन भी गाते हैं, पढ़ने से जिसके
हो बेड़ा पार सुनने से आए सुंदर विचार बड़ा सुख देती है मेरे सतगुरु की वाणी दुख हर लेती है मेरे सतगुरु की वाणी वाणी में तारतम्य में प्रतिज्ञा करा गया है सतवाणी मत के ले जो इनको सार लेकिन पक्षी के समान बस बोलते रहे उसको पक्षी वाला कहानी सुना होगा आपने एक बार एक महात्मा जंगल में जा रहे थे देखा कि शिकारी आता है जाल बिछाता है दाना डालता है और सब पक्षी फंस जाते हैं उनको पकड़ के ले जाता है शिकारी तो महात्मा जी ने सब पक्षियों को अपने योग बल से इकट्ठा किया और उनको समझाया कि देखो शिकारी फिर आएगा जाल बिछाएगा दाना डालेगा फंसना मत समझा रहे कि फंसना मत पक्षी बराबर बोलने लग गए सब सिखा दिया उनको पक्षी बोलने लगे शिकारी जाल दाना फंसना मत महात्मा जी सोचे कि सब सीख गए लोग हम लोग भी वैसे ही सोच रहे थे ना चर्चा किए तो सब समझ गए सर अगले दिन चिपकी महात्मा जी देखने लगे तमाशा एक तरफ देखते हैं तो शिकारी आ रहा है और दूसरी तरफ देखते हैं पक्षी उसी प्रकार बोले जा रहे हैं शिकारी आएगा जाल बिछाएगा दाना डालेगा फंसना मत इतने में शिकारी आ गया जाल बिछा भी दिया दाना डाला और पक्षी उड़ते हुए आए फंस गए अब फंसने के बाद भी क्या कह रहे हैं शिकारी आएगा जाल दाना डालेगा फंसना फंस चुके हैं फिर भी वही कह रहे हैं सभी ऐसे है कि ना सुंदर साथ की स्थिति भी समस्त मनुष्यों की स्थिति देखिए क्या चल रहा है क्या इतना ब्रह्म ज्ञान ये दुनिया इंतजार कर रही थी 28वें कलयुग में बुद्ध निष्कल स्वरूप ज्ञानमय स्वरूप में प्रकट होंगे और दुनिया में यह ब्रह्म ज्ञान प्रकट होगा उस समय बड़े बड़े ऋषि मुनि देवी देवताओं ने भविष्यवाणी करके सबको बताया शंकर जी ने पार्वती जी को अमर कथा में बताया ये पार्वती ये ब्रह्म ज्ञान जो है दुनिया इसके योग्य नहीं है लेकिन ये ज्ञान फिर भी प्रकट होगा 28वें कलयुग में कलिर धन्यम महेश्वर यत्र ब्रह्म प्रियाणाम च वासना समापासिन यहाँ पर ब्रह्म प्रियाओं की आत्माएं दुनिया में प्रकट होंगी इसलिए कलयुग धन्य है तीन बार का ये ज्ञान जो है पहले कभी प्रकट हुआ नहीं तारतम ज्ञान अंधकार से उजाले की ओर ले जाने वाला ब्रह्म ज्ञान है कल की बुद्ध निष्कलंक स्वरूप की पहचान है ये ब्रह्मवाणी क्योंकि सभी ग्रंथों में लिख रखा है रीते ज्ञानात न मुक्ति ज्ञान के बिना मुक्ति हो सकती नहीं है कभी भी संभव नहीं ब्रह्म ज्ञान जाके घट हुई पार ब्रह्म को जाने सोई ज्ञान जो है दुनिया जो है जब तक ज्ञान नहीं आया था तो सब इंतजार कर ही जा रहे थे अब वो ब्रह्म ज्ञान प्रकट हो गया और सभी माया में मगन हो बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की टाइम नहीं है किसी के पास बाइबल में कहानी आता है एक नगर सेठ था धनवान सेठ था उसने भोज का आयोजन किया भोज यानी प्रीति भोज बोलते ना भोजन के लिए इनविटेशन पार्टी का आयोजन किया बड़े बड़े धनवान और प्रतिष्ठित लोगों को उसमें आमंत्रित किया अब भोजन तो शाम को होता है लेकिन तैयारी तो सुबह से करनी पड़ती है ना सुबह से खाना बनाना शुरू कर दिए बना बना के शाम तक सारा तैयार 56 भोग पूरा बना के तैयार कर दिया उन्होंने अब शाम को इंतजार करने लगे अभी आएंगे मेहमान भोजन खाएंगे लेकिन इंतजार करते करते एक घंटा बीत गया कोई भी आया नहीं फोन करके पता करते क्या बात है भाई क्यों नहीं आ रहे हैं लेकिन पड़ोस गांव में जाना पड़ गया जरूरी काम से कोई बोले हमारी गाय बीमार है भैंसा बीमार है
ये रहता है लोगों का, ऐसे दूसरा काम है, किसी का पड़ोस मेहमान आ गए हैं, किसी का कुछ है, तो कोई भी नहीं आया। अब खाना बन गया उसको फेंक तो नहीं सकते ना, इतना सारा खाना बना के रखा है तो क्या करेंगे, फेंक दे उसको। उन्होंने कहा जो भी वहां सहयोगी थे उनके साथी थे, कहा कि अपने अपने रिलेटिव दोस्त मित्र साथी सबको फोन करके बुला लो, ये खाना जो कोई तो खाएगा ना, जो भी उनके साथ में थे सबको कहा अपने अपने रिलेटिव्स को बुला लो। तो बहुत सारे लोग आए खाने के लिए। ये राजभोज कहाँ मिलता है, सामान्य पब्लिक की किस्मत में कहाँ रहता है सर। आ गए बोले चलो चलो अच्छा अच्छा खाने मिलेगा। फिर खाना उसका भाव ऐसा नहीं है, भाव क्या है देखिए, ये है राजभोज ब्रह्मवाणी। राजभोज के ब्रह्मवाणी कह दिया ना 28वें कलयुग में ब्रह्म ज्ञान प्रकट होगा, तो सब इंतजार कर रहे थे, देवी देवता बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इंतजार कर रहे थे। अब ये जब वाणी आ गई है, सब बड़े बड़े लोग आए हुए हैं, सामान्य से सामान्य मनुष्य को भी ये ब्रह्म ज्ञान सुनने को मिल रहा है। सुन तो रहे हैं सभी, लेकिन इसमें असली कोई कोई है। सुनने से केवल काम नहीं होता साथियों, ध्यान से सुनना पड़ता है। ज्ञान मुक्ति देती है, लेकिन योग की श्रोता भी होना चाहिए। एक सेठ था 12 साल तक कथा सुनते रहा। हम बोलते ना हम तो 25 साल से प्रणामी हैं कि ये इस धर्म में है, संप्रदाय में है। ध्यान से सुनिए, 12 साल तक लगातार कथा सुनते रहे अपने गुरुजी के पास में डेली प्रतिदिन, एक भी दिन छुट्टी नहीं किया। हमारा तो क्या कि चलो ये सुबह का सुन लिया है, दोपहर का छोड़ दो, रात में फिर जाएंगे। हाँ फिर बोले कि बाहर से आए हैं, बोले 7 दिन का प्रोग्राम है तो 3 दिन आ जाएंगे, कोई बात नहीं चलो प्रणाम। 3 दिन का रखा है, 1 दिन आ जाएंगे। नेगोशिएशन इसमें भी सरकार श्री के समय में 21 दिन, 30 दिन और उससे भी ज्यादा 40 दिन। एक बार 6 महीने का विवाह था शिविर, पता नहीं कैसा जमाना था वो। अभी तो 7 दिन और 5 दिन भी ज्यादा लगने लग गया। 12 साल तक सेठ जी कथा सुनते रहे लगातार। एक दिन उनको किसी काम से परदेश जाना पड़ गया, तो चिंतित हो गए कि मेरा 12 साल का नियम टूट जाता है। हाँ 12 साल तक मैंने एक भी दिन छुट्टी नहीं मारा, पर ऐसा जरूरी काम आ गया कि मुझे परदेश जाना पड़ रहा है, तो नियम तो टूट जाएगा ना, सारी मेहनत मेरी व्यर्थ हो जाएगी। ऐसा 12 साल की मेहनत व्यर्थ हो जाएगी एक दिन छुट्टी मार दिया तो। अपने गुरु जी से कहा, महाराज जी कोई तरीका बताओ कि मैं परदेश जाके भी आ जाऊं और मेरा नियम भी न टूटे। अब महाराज जी सोचे अब क्या करें, इनको तो अब जैसे लोगों को वैसे बताना पड़ता है ना, जैसा खरीदार वैसा दुकानदार। कहा ऐसा करो, एक दिन अपने बदले अपने बेटे को भेज देना, एक दिन अपने बदले अपने बेटे को भेज देना, नियम हो जाएगा, कोई बात नहीं, चिंता मत कर सकते। अब सेठ जी उसमें भी चिंतित हो गए, ओहो ये तो भाई और टेंशन हो गया। गुरु जी ने क्या इसमें क्या चिंता हो गई आप, बोले कि कहीं आपकी कथा सुनकर मेरा बेटा बाबा ना बन जाए। गुरु जी ने कहा तुझे 12 साल हो गए सुनते सुनते, तू बाबा नहीं बना, एक दिन में तेरा बेटा कहां से बाबा बन जाए। ने माथे ले से तेने कहूं छू बीजा मां कर जो दुख। वाणी चर्चा ज्ञान सुनने के बाद में कुछ पश्चाताप हो, कुछ बदलाव हो जीवन में, तब तो सुनना और कहना सार्थक है ना। जो जीवन बीत गया सुनते सुनते, मृत्यु का भय जब तक नहीं आता है और जब तक दुख नहीं आता है, तब तक इंसान परमात्मा को ध्यान से याद भी नहीं करता। दुख में सुमिरन सब करें, और ज्ञान ज्ञान की बात तो बहुत दूर की, ये पूजा भी करने ना जाए यदि दुख ना आए तो। और जब ज्ञान विवेक होता है ना, तो सुख में भी दुख का अनुभव होता है। रतन जड़ित जो मंदिर सो उठ उठ खाने धाय, ये ज्ञान विवेक वैराग्य राज्य की कृपा से जिसके हृदय में प्रकट हो जाता है,
वो अध्यात्म के पथ पर आगे दौड़ जाता, चलता नहीं है, दौड़ जाता तेजी से। कह रहे ना महामत के इन दुख को मोल न कियो, जाए लाख बेर सिर दीजिए तो भी सर भर ना आवे। जिसको जीवन में दुख मिलता है, एक बार दुख मिलेगा बोले महाराज जी ले चलो सख, फिर उसके तुरंत बाद सुख मिल जाएगा तो हाँ राज्य की कृपा होगी, चलेगा थोड़े दिनों में। अब जल्दबाजी नहीं है परम धाम जाने की। ज्ञान और विवेक कहां से आएगा? बिना सत्संग विवेक ना हो, स्वाध्याय सत्संग ज्ञान ही गंगा है, सत्संग ही तीर्थ है। जाके गंगा में नहाया, तीनों पुरी धाम का दर्शन करके आ जाइए, हो गया तीर्थ, पवित्र हो गए, हो जाते हैं। तीर्थ स्थान की महिमा क्यों है? महिमा है, मैं नहीं कह रहा महिमा नहीं है, लेकिन जो अभी तीर्थ का रूप बना दिया है उसका जीरो वैल्यू है। पहले से समय में तीर्थ होते थे, नदी के किनारे गुरुकुल आश्रम होते थे गुरुजनों के, माया के झंझट से निकल के 15 दिन 1 महीना जाते थे लोग, वहां पर गुरु जी की सेवा करते थे, तपस्या करते थे, ध्यान करते थे, सत्संग ज्ञान प्राप्त करते थे और सेवा करके आते थे। 1 महीना तक साधना भक्ति ज्ञान से हृदय एकदम पवित्र हो जाता था, माया का सारा मेल हृदय से निकल जाता था। ये 7 दिन का शिविर है ना, ये है तीर्थ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। और अभी क्या है तीर्थ? रिजर्वेशन आने जाने का, खाने पीने के लिए एक थैला अलग से, पता नहीं वहां कैसी व्यवस्था है, होटल बुकिंग, वहां जाकर घूमना फिरना, फोटो वोटो खींचेंगे, गंगा में नहा लिए और थोड़ा सा दान देकर के आ गए। क्या फर्क पड़ा बताओ मेरे को, जीवन में और मन में विचारों में तो फर्क पड़ा? ये तो खुद को धोखा दे रहे हैं। एक्चुअल में गए हैं तो जिस मानसिकता से गए थे उस मानसिकता में भी सबसे बड़ा दोष है, पाप करो और गंगा नहाओ। अरे गंगा में नहाएंगे तो पवित्र हो जाएंगे, दर्शन करने जा रहे हैं अमरनाथ की गुफा का, दर्शन करने जा रहे हैं। हम भी बोले इधर दर्शन करने जा रहे हैं, उधर पुरियों का दर्शन करने जा रहे हैं। पुरियों का दर्शन नहीं, वहां जाइए, वहां जाकर के ज्ञान प्राप्त कीजिए और ध्यान करिए। और ये खाने पीने की चीजें जो है ना, ये चटपटा आइटम जो खरीद खरीद के ले जाते हैं सब, थोड़े दिन तपस्या करिए। तपस्या मतलब भूखे रहने नहीं कह रहा हूं मैं, संयम में थोड़ा भूख से कम खाइए और सात्विक भोजन खाइए थोड़े दिन, जहां भी जा रहे हैं तपस्या। अभी देख रहे थे ना सब चाय के लिए, सब तैयार हो गए चाय, पता ही नहीं है किसी को क्या खाना है क्या पीना है। दोपहर में पूरी सब्जी मिर्च मसाला मैं देख रहा था, कर रहे थे कुछ लोग, बढ़िया मजा आया। खिलाने वाला सोचता कि मैंने पार्टी करा दिया, खाने वाले भी सोचता बड़ा मजा आ गया, क्या खा रहे उसमें। पेट भरने के लिए खाना खाते हैं कि मन भरने के लिए खाते हैं? पेट भरने के लिए, मन कभी भरा किसी का? और बाकी जो जीव है ये कितने दिन खा सकते हैं ऐसा भोजन, जरा विचार करिए। घर में कोई खाता है ऐसा भोजन है? ये पूड़ी मसालेदार सब्जी कोई खाता है घर पे तो बताओ मेरे को, कौन कौन सी विटामिन होते हैं इसमें जरा भी बता दो। तबीयत जो है, बच्चे लोग तो वहां गए ना, बच्चे लोग की उनका सारा कंट्रोल किसके हाथ में? माता पिता के हाथ में ना। बचपन से ऐसा भोजन खिलाओगे तो 20 साल होते होते क्या होगा, उनका शरीर खराब हो गया कि नहीं हो गया? सारी बीमारियां 20-25 साल में आने लग गई। अब पहले 50 साल में आती थी जो बीमारियां, 20-25 साल में आ रही कि नहीं? सारी डायबिटीज, हार्ट अटैक, किडनी फेलियर, सारी बीमारियां पाइल, सब नई नई भी आ गई 25 तो, और जो पहले नहीं थी वो भी आ गई, डॉक्टर हॉस्पिटल सब। और ध्यान में भी जो है, जब ध्यान करना है सात्विक ध्यान स्थली में जाते हैं तो वहां क्या करते हैं ऋषि मुनि, कैसा भोजन करते हैं? एक तो सात्विक भोजन और उसमें भी कैसा, आधा पेट योगी, पौन पेट भोगी और भर पेट रोगी। व्रत उपवास जो है यदि बिना ज्ञान के करेंगे तो कर्म कांड है वो, लेकिन सहायक चीज एक शरीर में सात्विकता होता है। उसी तरह तीर्थ भी जब व्यर्थ नहीं सही तरीके से करें तो
दान मंदिर में जहाँ पर कुछ होता नहीं है भरे जा रहे, सोना चांदी बोले मुकुट बना दो, मूर्ति बना दो सोने का चांदी का हीरे मोती का, झगड़ा हो रहा सर। जहां पर देखिए परमात्मा का सही कार्य हो रहा वहां पर बोले कि हमारा नाम तो हो नहीं रहा, हम क्यों दें फिर। झूठे वादों और झूठे जो है बातों में आकर के अपना धन और समय सोन दोनों खराब करते। यदि मैं झूठी बात करूं तो आप खुश हो जाएंगे, है ना। लेकिन सभी ब्रह्म सृष्टि सभी परम धाम से आए हैं, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सभी परम धाम जाएंगे, तारतम लिए तो परम धाम का टिकट मिल गया, खुश हो गए सब। और मैं ऐसा बोलूं कि ब्रह्म ज्ञान बिना मुक्ति नहीं, तो फिर बोलेंगे तो महाराज जी वाला मामला ठीक नहीं, इनको सेवा दान करने से कोई फायदा नहीं है, तो वादे ही नहीं कर रहे हैं कुछ, तो बात ही नहीं हो रहा भी है। तो फिर जैसा खरीददार वैसा दुकानदार, बाजार में खरीदने जाओ बोले कि एकदम टॉप क्लास मोबाइल चाहिए सर, 2000 रुपया लेकर के आया हूं, कुछ करना ही नहीं है। दुकानदार बोलेगा इसको थमा दो चाइनीज वाला मॉडल है सर, घर जाने तक चलेगा बस, उसके बाद नो गारंटी नो वारंटी। सोचिए तरह ग्रंथों में क्या लिखा है, मनुष्य में और पशु में क्या अंतर है। हम भी खाते हैं, जानवर भी खाता कि नहीं खाता है। जानवर पेट भर जाता सो जाता है, शाम को क्या खाऊंगा चिंता है उसको। आहार निद्रा भय और मिथुन चार चीजें मनुष्य में पशु में बराबर रहती हैं। पहले मनुष्य जो है बनेंगे, उसके बाद तो फिर ब्रह्म सृष्टि बनेंगे ना। बोले हम स्वादिष्ट भोजन खाते हैं तो जानवर भी तो उसका भी स्वाद अलग है ना, उसको उसमें स्वाद आ रहा है। सुअर को गंदगी खाने में स्वाद आ रहा है, उसके लिए तो वही जो है श्रीखंड है। हम बच्चे पैदा करते हैं, जानवर भी करते नहीं है क्या बच्चे, उनके भी बच्चे होते हैं सारे। हम भी सोते हैं, जानवर भी सोता, वो दिन भर सोते रहता, हम तो ये काम वो काम रात में भी टेंशन के कारण नींद नहीं आ रही, गोली खाना पड़ेगा। वो चार बार खाते हैं चार बार सोते रहते हैं बस। और एक बुद्धि मिली थी कुछ अच्छा करने के लिए, और बुद्धि को बुरे कामों में पापों में और पैसा कैसे कमाए इसी में बुद्धि का प्रयोग करे जा रहे हैं। बुद्धि दिया मनुष्य को परमात्मा ने स्पेशल गिफ्ट, इसलिए दिया कि हम समझे हम कौन हैं, कहां से आए हैं। किसी धर्म में संप्रदाय में शामिल होने मात्र से कोई मुक्ति नहीं मिलती है। राम शरणम कृष्ण शरणम बुद्धम शरणम ये शरणम उसके शरण में फलाना संप्रदाय में आ जाओ तो मुक्ति मिलेगी, हमारे गुरु के चरणों में आओ तो सारा पाप क्षमा कर देंगे, सारे सब ये जो है झूठे विज्ञापन है। विज्ञापन असली चीज को समझना है। देखिए हर पीली वस्तु सोना नहीं होती है और हर नीली टिकिया रीन नहीं होती है। हर लाल पीला टोपी पहनने वाला कोई ब्रह्मज्ञानी होता है नहीं है। परख निरख परख के लीजिए, समझ बूझ गुरु कीजिए साधु भाई, समझ बूझ ही गुरु कीजिए। ज्ञान जो देखिए मैं बताया ना, सुबह जानवर को हकाल कर ले जाते हैं, जानवर अपनी दिशा खुद डिसाइड कर सकते नहीं, उनको ले जाने वाला कोई दूसरा होता है। लेकिन मनुष्य जो है अपनी दिशा खुद निर्धारित करता, मुझे किस दिशा में जाना है। भीड़ के पीछे चलेंगे तो भीड़ तो गड्ढे में जाएगी, तो भीड़ के साथ आप भी गड्ढे में चल जाएंगे। और सत्य मार्ग भी चलने वाले बहुत कम होते हैं, इसलिए सत्य मार्ग में चलना बड़ा सरल होता है। चलना सरल होता है लेकिन समाज का विरोध, कुटुंब परिवार खानदान बोले कुल देवी कुल देवता ये पूजा वो पूजा, लक्ष्मी जी का पूजा किया ना, दिवाली था 2 दिन पहले, क्यों करते हैं सब लक्ष्मी जी का पूजा, पैसा मिलेगा ना, मिल गया। भारत में तो गरीबी तो बढ़ती जा रही है, क्यों चाहे मुसलमान लक्ष्मी जी का पूजा करते हैं, ईसाई करते हैं, तो सबसे ज्यादा गरीब कौन है,
पूजा करने वही सबसे ज्यादा गरीब होगी। कोई बोलेंगे वो लॉफिंग बाबा करके निकाले मूर्ति, बोले उसको घर पे रखो तो पैसा आएगा। कोई बोलेंगे जैनियों का मंत्र लगा लो, कोई बोलेंगे जैसा में साई धर्म में आ जाओ तो पैसा आ जाएगा। तुम्हारा ईमान पैसा है कि भगवान है? पूजा किसी और की और इच्छा कुछ और। एक बार एक राजा के दरबार में एक नर्तकी नृत्य कर रही थी। पुराने जमाने में नर्तकी नृत्य सिस्टम रहता था, तो इतना अच्छा नृत्य कर रही थी कि राजा सोचा, इतना प्रसन्न हो गया राजा और मन में सोचा कि आज ये जो भी मांगी कि इसको मैं दे दूंगा। इतना खुश कर दिया इसने मुझे आज। यदि कहे कि मुझे अपनी रानी बना लो तो इसको मैं अपनी रानी भी बना दूंगा। नर्तकी से रानी डायरेक्ट, सोचो इतनी बड़ी बात थी कि नौकरानी को घर की रानी थोड़ी बनाता है। पर राजा ने मन ही मन सोच लिया, गया जिसमें कही कि तो रानी भी बना लूंगा। नृत्य खत्म हुआ, उससे पूछा मांगो जो भी मांगते हो सके, जो भी चाहिए मांग लो आज खुल करके। कह कि मेरा प्रेमी है आपकी कैद में, उसे छोड़ दो। नृत्य किसके सामने कर रही है और इच्छा किसकी है? पूजा भगवान की करेंगे, इच्छा भगवान क्या सोचेंगे? हाँ मेरी पूजा कर रहा, मेरा भक्त है, बोलेगा हमको माया दे दो। मैं तो सोच रहा था मेरी मेरा भक्त है, लेकिन ये तो माया का भक्त है। आधा भक्त कबीर है, पूरा भक्त कमाल वाला है, माया का भक्त। पूजा किसकी कर रहे हैं और मांग किसको रहे? ज्ञान विवेक जिसके पास हो ना, तो वो एक परमात्मा के सिवा कुछ ना मांगे। गीता में देखिए साथियों, सातवें अध्याय में क्या लिखा है, अल्प बुद्धि वाले मनुष्य विभिन्न कामनाओं से युक्त होकर अनेकों देवी देवताओं की पूजा करते हैं। कौन? अल्प बुद्धि वाले मनुष्य। गीता प्रेस गोरखपुर की टीका में जाके देखिएगा सातवें अध्याय में। और सिर्फ गीता में नहीं, ऐसा कटु वचन भागवत में भी लिखा है, शतपथ ब्राह्मण में लिखा है, वेदों में सब जगह लिखा है, ऐसा कटु वचन समझाने के लिए। अल्प बुद्धि वाले क्यों? देवी देवताओं की पूजा का आधार क्या है? संसारिक कामनाएं, और संसारिक कामनाएं तो नाशवान है करके गीता में लिखा है। इच्छा पूरी हो गई तो क्या सुखी हो गए? धन मिल गया तो सुखी हो गए? धन एक आवश्यकता है रोटी कपड़ा और मकान के लिए, जीवन के लिए आवश्यकता है, वो लक्ष्य नहीं है। पैसे से हम रोटी खरीद सकते हैं और पैसे से हम पूरी भी खरीद सकते हैं, लेकिन पैसे से हम सुखी नहीं हो सकते। स्वस्थ शरीर, निरोगी शरीर पैसे से खरीद सकते नहीं है, बल्कि भोग से क्या होता है? रोग हो जाता है। जाके देखिए आर्य समाजियों का जो भंडारा हो, तो उसमें जाके देखिए क्या खाते हैं उन लोग। रोटी सब्जी सात्विक, पूड़ी जो है ना, ये बस दिखावे का चीज है। कोई भी एक खुश हुआ हो तो बता दो पूड़ी खाकर, सबको चाहिए भी कि खाज मोला, पेट में एसिडिटी बीमारियां सारा। शरीर जो है खराब होगा तो फिर मन कैसा होगा? और ये ब्रह्म ज्ञान कहां से समझेंगे? जैसा खाओगे अन्न वैसा होएगा मन। और तो इससे भी बढ़ करके बीड़ी सिगरेट और शराब मांस, प्राणनाथ जी ने मना कर दिया, बोले आत्म जागृति करना है, अपनी आत्मा का कल्याण करना है तो ये सारी चीजें छोड़ना पड़ेगा और ये ब्रह्म ज्ञान समझना पड़ेगा। इससे सरल और सही रास्ता कोई मिलता है तो आप बता दीजिए। बाकी जो फ्रॉड रास्ते हैं, बोले हमारे धर्म में आ जाओ, खाओ पियो जो करना करो, वहां भ्रम में और धोखे में नहीं रहना, गुरु जी भाव से पार कर देंगे। कैसे कर देंगे? कबीर जी ने क्या कहा? चिड़िया बेटी कौन गुरु कौन चेला, गुरु की करनी गुरु ही भोगे, चेला की भोगे चेला। गुरु जी भी सबको मालूम है, इनके स्थान के वहीं के हैं वो, साबरमती के।
किसी के दूसरे के भरोसे में जीवन नहीं व्यस्त कर सकते साथियों। खाओ पियो ऐसा बोलने वाले के भरोसे में नहीं रहना। एक निकला है मानव धर्म, नेपाल में बहुत ज्यादा, यूपी तरफ मानव धर्म। कहते मांस मछली शराब जो खाना पियो, बस मनुष्य से अच्छा व्यवहार करो, यही मानव धर्म। नाम तो मानव धर्म रखे हैं और बोलते सब खाओ पियो, हाँ मांस खाओ सब खाओ, सब छूट है करके, बस गुरु जी के चरणों में प्रणाम करो। तो ये मानव धर्म है कि दानव धर्म है? एक फोटो आया था फेसबुक में, उसमें चार जानवर थे, मुर्गी बकरा गाय और ऊंट, चार का फोटो था उसमें, और नीचे लिखा था हम लोग हमें जानवर कहते हैं, लोग हमें जानवर कहते हैं, हम उन्हें क्या कहें जो हमें मार के खाते हैं। हम तो जानवर है ना भाई, लेकिन जो हमें भी मार के खा रहे हैं, फिर तो जानवर से कुछ बड़ी उपाधि देनी पड़ेगी ना उनको। हैवान से बड़ी उपाधि शैतान है ना। इंसान देखिए, इंसान बनिए और ज्ञान धर्म समझिए। मुंह में राम और बगल में बीड़ी वाला हाथ मत करिए। मुंह में राम बगल में छुरी बोलते हैं ना, ऐसी भक्ति क्या करे, कहां से लाभ देगी, जरा विचार करिए। मैं तो बिगड़िया विश्व से बिछड़िया, कह रहे कि सच बात बताने से क्या करते हैं, दुनिया वाले बोलते हैं नया ज्ञान ले आया, गुरुजन इतने सारे बड़े बड़े कह रहे हैं, क्या सब झूठ कह रहे हैं। कलयुग के साथियों, कलयुग है ये, यहाँ पर सच और झूठ बड़े और छोटे के आधार पर नहीं होता है, सत्य ज्ञान को समझना पड़ता है और सच्चे दुकान की खोज करनी पड़ती है। खोज बड़ी संसार तुम खोजो साधो, खोज बड़ी संसार, ज्ञान की खोज जिज्ञासा पिपासा होना चाहिए। और आज कलयुग में ये ब्रह्मवाणी हमारे बीच में आज उपस्थित है, ये ब्रह्मवाणी सीधा सरल मार्ग है। हम बस इतने ही कहते हैं कि वाणी पढ़ना पड़ेगा, बस आत्म कल्याण का एकमात्र यही रास्ता है। बाबा मेरे ढीग आओ मत कोई, प्राणनाथ जी जगह जगह ब्रह्म ज्ञान का प्रचार करने जाते हैं, लेकिन लोग भड़काते हैं जगह जगह, अरे उनकी चर्चा में मत जाना, उनकी कथा में मत जाना। लेकिन मत आओ, कोई बात, बाबा मेरे ढीग आओ मत कोई। जो लोक वेद मर्यादा का बंधन तोड़ सकता है वो यहाँ पर आए, ब्रह्म सृष्टि के बिना कोई कर सकती नहीं है। त्रिगुण फांस के फंद पड़े थे, सो फंदा निर्वारे, सामान्य मनुष्य के बस की बात नहीं है ये। समाज खानदान परिवार जाति धर्म ये सब बंधन है, लेकिन समाज वाले क्या कहेंगे, परिवार वाले क्या कहेंगे, भाई क्या कहेगा, खानदान वाले क्या कहेंगे, जीवन तुम्हारा क्या, किसके साथ आए थे, सब एक साथ आए थे, एक साथ अकेले आए हैं, अकेले जाना संसार में, जीव की बात कर रहा हूं, परिवार वाले कोई साथ में थोड़ी आए, सब अकेले अकेले अपने 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 कर्म का फल जब खुद ही भुगतना है तो फिर दूसरे की परवाह क्यों करें। मनुष्य जीवन क्या बार बार मिलता है खुश करने के लिए, परिवार खुश किया कर पाया कोई आज तक, समाज को कोई खुश कर पाया, खानदान को कोई खुश कर पाया, ये जाति वालों को कोई खुश कर पाया तो बता दो मेरे को, सारा जीवन बिता देंगे, कोई खुश होने वाला नहीं है। उसका दसवां हिस्सा प्रीतम प्राणनाथ राज्य महाराज के लिए थोड़ा समय दे दो, वो तो पहले ही खुश है। मैं तुम्हारे सिर पे खड़ा हूं एक पाए, परमात्मा को जब चारों तरफ से दरवाजा बंद हो जाएगा तब परमात्मा की याद आएगी, भगवान की चलो पूजा कर ले, राज जी को याद कर ले। जीवन में जब तो खुशियां रहती हैं, सब उसमें मगन हो जाते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा चली जा रही है, वो तो प्रणामी रे परम धाम, अरे हमारे तो पिताजी दादाजी सारे प्रणामी थे, ऐसा करके ये पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा से मतलब नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि पीढ़ी दर पीढ़ी है तो उसमें ब्रह्म सृष्टि नहीं आएगी, ऐसा भी नहीं, आ भी सकती नहीं भी आ सकती, लेकिन सवाल क्या है, ये है ज्ञान और प्रेम का मार्ग है, रीति रिवाज परंपरा और देखा देखी का मार्ग नहीं है ये। यहाँ पर ज्ञान और विवेक वाणी आई है आपको जोहरी बनाने के लिए, इस वाणी का जो मंथन करेगा वो जोहरी बन जाएगा।
एक धनवान सेठ था, वो धार्मिक अच्छा आदमी था, लेकिन उसका बेटा बड़ा बिगड़ेल था, बचपन से लाड प्यार में पाला, जैसे हम करते फिर बोलते हैं महाराज जी हमारा बेटा बिगड़ गया है। तो महाराज जी इसमें क्या करेंगे, प्रथम गुरु माता द्वितीय गुरु पिता, तो हम तो तृतीय है ना, बचपन से लाओ ये खिलाओ वो खिलाओ सारा खुश करो, सोचते हैं कि हमने बच्चे को खुश दे दी, खुशी दे दिया, सुख दे दिया है ना, पैसा दिया, मोबाइल दिया, गाड़ी दिया, खाने पीने का सब दिया, तो सोचते हैं कि बच्चे के ऊपर हमने कृपा कर दिया, बच्चे को खुश कर दिया, लाड प्यार कर रहे हैं सोचते हैं। लेकिन हमको पता नहीं है, तो शारीरिक रूप से भी उसका नुकसान कर रहे हैं और मानसिक रूप से भी उसका नुकसान कर रहे हैं, दुश्मन हो जा रहे हैं हम, हो गया बिगड़ गया उसका भी बेटा, शराब जुआ बुरी आदतें सारी लग गई उसको भी, विचार सब लग गया, पिताजी जो है अब मरने का समय आ गया, सोचता है कि बेटी को मैं कैसे सुधारूं। उसने क्या किया, एक कांच का टुकड़ा चमकता हुआ रखा हुआ था, उसे कहता बेटा ये बहुत ही बेश कीमती हीरा है, ये इसको संभाल के रखना, मुसीबत में काम आएगा। बेटा खुश, अरे पिताजी जाते जाते हीरा देकर गए, खुश हो जाते ना, मेरे पिताजी ने इतना प्रॉपर्टी दिया विरासत में, खुश हो गए, पिताजी तो चले गए। धीरे धीरे शराब जुआ व्यभिचार के चक्कर में घर को बेच डाला उसने, लास्ट में बचा था हीरा यानी कांच का टुकड़ा। अब गया जौहरी के पास में, ये बहुत ही कीमती हीरा है, ये जौहरी बताएगा कि तुम बताओ, हम क्या करते हैं डॉक्टर के पास जाएंगे ना, डॉक्टर साहब इंजेक्शन लगा दो ऐसा करके, भी डॉक्टर आप हो कि वो डॉक्टर है, जबरदस्ती प्रेशर कर देते हैं। इंजेक्शन तब लगाया जाता है जब गोली खाने योग्य ना हो पेशेंट, ये भी बात बताना पड़ता है, अब क्या कर, जरूरी है समझने वाली बात। पहले कह दिया कि ये बहुत ही कीमती हीरा है, मेरे पिताजी ने दिया था, इसका कितना पैसा दोगे बताओ। जोहरी देखता है ये तो कांच का टुकड़ा है, अब इसको मैं बोलूं कांच का टुकड़ा तो झगड़ा करेगा। उसने क्या कहा, बहुत ही कीमती हीरा, लेकिन इतना पैसा मेरे पास नहीं है, किसी बड़े जोहरी के पास जाओ। अपनी मुसीबत दूसरे को पटाल दिया। अब दूसरे के पास जाता है जोहरी, सॉरी वो लड़का हीरा लेके दूसरी जोहरी के पास गया, उसने भी ऐसे ही कर दिया। दो तीन जोहरी के ठोकरे खाते खाते जब पहुंचा एक के पास में, तो उसके पिताजी का दोस्त था। अब वो सच बोले तो बोले इतने सारे पहले बोले हैं, क्या झूठ बोले हैं, समस्या होती थी ना, क्या बेटा ऐसा करो पैसा तो मेरे पास भी नहीं है, पर एक महीना तुम मेरे पास रुको, कहां भटकोगे, यहीं पे रुको, एक महीने में मैं पैसा भी इकट्ठा कर लूंगा, तब तक तुम भी थोड़ा बहुत काम सीख जाना ना, सोना चांदी हीरा कैसे परखते हैं ना, कैसे चेक करते हैं, 24 कैरेट 22 कैरेट होता ना सोना, 18 कैरेट अपने को तो मालूम नहीं होगा क्या होता, क्या करेंगे थी? बोलेगा 24 कैरेट देखेंगे, बाद में 20 भी नहीं निकलेगा, तो वहीं रुक जाता है। अब धीरे धीरे सारा सीख गया, सोना चांदी हीरा मोती सब एक महीने में सारा काम सीख लिया, अब क्या बन गया, जोहरी बन गया। कहा उसको अब लाओ अपना हीरा, और आज तुम जितना कहोगे उतना मैं दूंगा। खुशी खुशी जाता डब्बा खोला अपना, पिटारे में से लाया और देखता है कितना है, 0 कांच का टुकड़ा। ओ ज्ञान जो है, ब्रह्मवाणी ज्ञान देने का विषय पहला दिन है, 7 दिन में धीरे धीरे सारा पता चलेगा कि मैं कौन कहां से आया, कहां है मेरा बर्तार। देवचंद जी ने 11 साल की उम्र से खोज करना शुरू किया था, 40 साल हो गए खोजते खोजते, लेकिन नहीं पता चल सका। 14 साल भागवत सुना तो भी नहीं पता चला कि मैं कौन कहां से आईया, कहां है मेरा बर्तार। जब स्वयं राज्य महाराज परब्रह्म अक्षरातीत ने दर्शन दे करके
तारतम ज्ञान जागृत बुद्धि प्रदान किया और उनके अंदर आवेश स्वरूप से आकर विराजमान हो गए, तब ही भागवत शास्त्र की खुल गई नजर। तब भागवत शास्त्र सुना था, अब समझा, 14 साल सुना था समझा नहीं था, अब समझा उसका सारा खंड ब्रजराज कहाँ पर है। तब ही नजर सत वस्तु को जाए के पहुंची धाम, अखंड ब्रजराज कहाँ बिहद मंडल में है और उससे परे परम धाम कहाँ पर है। सारा ज्ञान परम धाम मूल मिलावे में सारी ब्रह्म आत्माएं बैठी हैं, वहीं से बैठे बैठे सपने के समान सारा खेल देख रही हैं। साक्षात स्वरूप से परम धाम से कोई भी आया नहीं। Oh,
पाछू जड़े छे સ્થાન લઈ લો જમણ વાળો વખતે કેટલા હોય અને પછી છેલ્લે બેસે અને વ્યવહાર લેવાનો એ બેસે ખરી વાત ને જેને ચોલ્લો લેવાનો હોય વ્યવહાર લેવાનો હોય માથે બીડું લેવાનું હોય એ બધા બેસે બાકીના બધા એટલે જેના વ્યવહાર રાખવાનો જેટલા બેઠા છે એટલે આપણા વ્યવહારીઓ છે એમની સાથે થોડી વાતો કરીએ બરાબર ને સવારે મેં કહ્યું હતું જેને વ્યવહાર રાખવાનો હોય એટલે જેને ખરેખર વ્યવહાર રાખવો હતો એ બેઠા બાકીના બધા ખાઈ ખાઈને ચાલો આપણા વ્યવહારી વ્યવહારી વાતો કરીએ અમુક કઈ બહુ મારે ભારે ચર્ચા કરવાની નથી મારે તમારી પાસેથી ઘણું બધું શીખવાનું છે
અને રાજજી નો ઇલ્મ અહીંયા છે, એમાંથી આપણે હમણાં હર્ષદભાઈ એ સુંદર મજાનું કિરંતન ગાયું. કયું? વૃથા કા નિગમોરે પામી પદાર્થ ચાર, ઉત્તમ માનકો ખંડ ભરત નો શ્રેષ્ઠ કુલી. વૃથા કા નિગમો એટલે ખાલી નકામું નકામું જીવન શું કરવા જવા દો છો? તમે આવ્યા છો તો કોઈ કારણથી કોઈએ તમને મોકલ્યા છે. આ મનુષ્ય અવતાર એમને મળ્યો નથી. આપણે ગધેડા કેમ ના બને, સુવર કેમ ના બને? ભગવાનને બનાવવું જોઈએ, એમાં કઈ તમને બાકી રાખે તેવું એ બનાવી શક્યા હોત? પણ માણસ કેમ બનાવે, શા માટે બનાવે? વિચાર આવ્યો કદાચ કે હું માણસ કેમ બન્યો, મારા ઘર આગળ બળદ છે, બળદ કેમ બન્યો? આપણે બળદ હોય ને ઘરમાં, આપણે એવો વિચાર કરે કે હું જ માણસ કેમ બની ગયો, ના બળદ કેમ ના બન્યો? એક કારણ હશે ને પરમાત્માનું, બળદને બ્રહ્મ જ્ઞાન મળે, ચર્ચા સંભળાવાય, બળદને ભજન સંભળાવાય. કોને સંભળાવાય? માણસ. તો બળદ છે ને આમ સીધો ચાલે, માણસ કેમ ચાલે આડો ચાલે? બળદ સીધો ચાલે આમ ચાર પગે, ધરતીને પેરેલલ ચાલે, ને માણસ આ માણસ જ આમ ચાલે. આપણે હોઈએ સ્કૂલમાં જતા હોઈએ ત્યારે આપણને મા બાપ તરફથી કે જો યાદ રાખવાનું આ બધું, જે માસ્ટર ભણાવે બધું યાદ રાખવાનું. અને મોટા થઈએ ને ત્યારે આપણને એ જ શીખામણ મળે. શું થાય? ભૂલતા શીખો, ભૂલતા શું કે આપણને? એટલે આપણે સ્ટુડન્ટ હોય ત્યારે શું કે યાદ રાખતા શીખો, અને મોટા થઈએ ત્યારે ઓકે ભૂલતા શીખો. એટલે ત્યારે આપણા તો જરૂર હતી જ શીખામણની.